स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है। हमारे देश की मिट्टी हमारे देश की मिट्टी हमें प्राणों से प्यारी है। हमारे देश की मिट्टी, देश की मिट्टी हमें प्राणों से प्यारी है। यही के अन्न जलवायु परम श्रद्धा हमारी है। यही के अन्न जलवायु परम श्रद्धा हमारी है। सुभाषा है देश है अपना, सुभाषा है प्यारा देश है अपना। जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, देश है अपना। नहीं अब है समय कोई गहन निद्रा में सोने का, समय है एक होने का नम बड़े बल राष्ट्र का, जिससे वो करना मेल है अपना, बड़े अपना। जगाना दपना, जगाना दपना, जगाना गुप्ता। जन प्रधान जन चेतना केंद्र त्रिकुटा नगर जम्मू। आज हम यहाँ पर CAA यानी कि सिटीज़न अमेंडमेंट बिल के बारे में हम यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा है लोगों को अवेयर करने के लिए कि ये जो प्रोग्राम था, ये जो CAA है वो किस लिए हमारे लिए ज़रूरी है, क्यों हमें ये इस बिल की क्यों ज़रूरत है और कैसे ये हमारे क्या प्रधानमंत्री और हमारे होम मिनिस्टर ने इसको बड़ी तरीके से इसको लागू किया है, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, क्योंकि जो जनसंख्या विस्फोट है नंबर एक, नंबर दो आक्रांता जो कि बिना पूछे हमारे देश में आ रहे हैं, उन लोगों से इस देश को बचाने के लिए हमने ये जो बिल है ये पारित करवाया है। और हम जो जहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं वो इसके समर्थन में हैं, और हम ये बताना चाहते हैं इन सभी को कि इसके बिना हमारा काम, हम किसी भी गैर मुस्लिम को यहाँ पर नहीं आने देंगे। हम जो उत्पीड़न हैं जो तीन देशों के, जब पाकिस्तान, बांग्लादेश और उस वहाँ के जो हिंदू उत्पीड़न हैं, उन लोगों के यहाँ पर उनको सिटीज़नशिप देने के लिए ये बिल लाया गया है, और इसमें हमारे जो जम्मू जो के देश के जो मुसलमान हैं उसको यहाँ पर कोई भी, उनको इससे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। शुक्रिया। मैं श्यामलाल लंगर, प्रेसिडेंट अखिल भारतीय महाजन शिरोमणि सभा, नेशनल प्रेसिडेंट। ये जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया है, ये हमारे एक देश की मजबूती और देश की ताकत के लिए बनाया गया है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान जो है वो एक ही है, बाकी मुस्लिम देश जो हैं वो बहुत सारे हैं और देश बहुत सारे हैं, इसीलिए कि हमारा हिंदू और भी किसी जगह अगर डिस्टर्ब होगा तो वो कहाँ जाएगा, वो हिंदुस्तान में ही आएगा। इसीलिए ये एक्ट बनाया गया है, और इस एक्ट से कोई भी हमारा जो हिंदू है वो वर्चित नहीं रहेगा, क्योंकि चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे कोई भी देश हो, वहाँ से आए हुए शरणार्थी हिंदू जो हैं उनको जहाँ पे जो हिंदुस्तान की नागरिकता है वो दी जाएगी, बाकी जो बाहर से आए हुए और अलग किस्म के लोग जो हैं उनको कोई भी नागरिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान एक ही देश है, बाकी और बहुत सारे मुल्क हैं।
तो इसीलिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने ये जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बनाया है, इसका मुख्य जो कारण है, मुख्य जो उद्देश्य है वो यही है, तो इसीलिए इस एक्ट को बनाया गया।